सपनों की मांदी 1981 पर रिलीज हुआ एक हिंदी इमोशनल फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह जितेंद्र जायपाड़ था। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि संजय जो है जितेंद्र और संगीता जो है जायपाड़ था दोनों प्यार करती है, दोनों शादी करती है और अपनी एक सुखी दुनिया शुरू करती है। आप देखते हैं कि संगीता माँ बनने वाली होती है। डॉक्टर कहती है कि अगर संगीता माँ बनती है उसके जीवन को खतरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संगीता अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है और इसके लिए वो मंदिर जाती है। यहाँ पर उसको माँ बाबा आशीर्वाद करती है। संगीता अपने बच्चे को दुनिया में ले आती है और संजय संगीता की एक बेटा होती है सन। सनू के साथ उनकी खुशहाल दुनिया शुरू होती है और हम देखते हैं कि सनू अपनी कुत्ता सैंडो के साथ खेलती है। सनू बहुत ही शरारती है। सनू जब स्कूल जाती है उसकी स्कूल के गेट पर बैठी रहती है मावला बाबा और मावला बाबा सनू को बहुत प्यार करती है। सनू अब स्कूल जाकर बहुत शरारती करती है। एक दिन संगीता जब सनू को लेने जाती है स्कूल से तब उसके साथ गुंडा गोलू को देखा होती है। गुंडा गोलू को एक दिन संजय मारा था, वह पॉकेट मार, और वो संगीता को भी लाइन मारती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी ऐसे चल रही होती है। एक दिन संगीता जब स्कूल की बस के लिए वेट कर रही होती है पर सनू नहीं आती और संगीता प्रिंसिपल के पास जाती है और यहाँ पर चापरासी उन लोगों को कहती है कि स्कूल पर कोई नहीं है। संगीता घर आती है और यहाँ पर संजय संजय से कहती है कि सानू गायब है। संजय पुलिस के पास जाती है और FIR लिखाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सानू स्कूल की बेंच पे सोया हुआ था। वो आँख खुली और देखा कि स्कूल की कमरा बंद है और वो बाहर आने के लिए चपरासी को बुलाती है और वो बाहर आना चाहती है बट वो आ नहीं पाती। हम देखते हैं कि पुलिस गोलू को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसकी पूछताछ करती है और गोलू जान पाती है कि संजय संगीता की बेटा सानू गायब है। यहाँ पर पुलिस माला बाबा को भी पूछताछ के लिए बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलू जब ये जान पाती है कि संगीता और संजय सानू के लिए बाहर रहती है, वो संजय संगीता के घर जाती है डकैती करने के लिए। और वो जब जाती है डकैती करने के लिए तब ये एक फ़ोन आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सानू की स्कूल की टीचर नीलिमा मैडम अपनी पति को कहती है कि वो एक भूल करा है, वो संजय को स्कूल की बेंच पर सुला आया था क्योंकि सानू को बुखार था। बाद वो सानू को जगाने के लिए भूल गया और उन दोनों वो अपनी पति के साथ खंडाला चली आया। इसकी वजह से वो सानू के घर फ़ोन करते हैं और ये फ़ोन रिसीव कर लेती है गोलू। गोलू जब मिले मैडम से जान पाती है संजय सानू के बारे में तब वो समझ जाती है कि सानू स्कूल में है और गोलू स्कूल जाती है और सानू की कात से एक उसकी किताब लेकर आती है और वो लेकर वो संजय संगीता को दिखाती है और कहती है सानू कहाँ पर, वो जानती है बट उसे 25,000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर सानू की कुत्ता सैंडो सानू की स्कूल जाती है और सानू को खोजती है और सानू को पा जाती है और सानू उसे कहती है कि उसके पापा को बुला लाने के लिए। सैंडो रास्ते पर आती है बार यहाँ पर एक कुत्ते की बहन सानू सैंडो को उठाकर ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलू को पैसे देने के संगीता और संजय आती है बार गोलू पैसा लेकर भाग जाना चाहती है बार यहाँ पर संजय उसे मारती है बार गोलू भाग जाती है, सानू के पता नहीं बताती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंडो को जहाँ पर बांध कर रखा था कुत्ता सैंडो वहाँ से भाग जाती है और वो आकर माल बाबा को सानू की स्कूल ले जाती है और माल बाबा जाकर सानू की जहाँ पर सानू सानू जिस कमरे में था उस कमरे की ताला को तोड़ देती है और सानू को वो बचाती है और सानू को ले आकर रास्ते पे चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं गोलू भी सानू को पकड़ने के लिए फिर स्कूल आती है। बराकर देखती है कि स्कूल की कमरा खुला है और वो रास्ते पे आती है, देखती है कि माला बाबा की गोद पर सानू है, वो सानू को लेना चाहती है। बाद माला बाबा के साथ कुछ हाथाहाती होती है और माला बाबा को चाकू मार देती है और मार डालती है।
या फिर पुलिस आती है और गोलू को ले जाती है। और हम देखते हैं कि सैंडो सानू सैंडो के साथ घर चली जाती है। संजय संगीता दुखी होकर जब घर आती है अपने गेट के सामने, तब देखती है कि संजो सानू और सैंडो को उन दोनों विश्वास नहीं कर पाती है, बट वो अपने बच्चे को गोद में लेती है और प्यार करती है। ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की। धन्यवाद।